कृषि दर्शन एक्सपो 2023 में अब हम पहुंचे हैं प्लस टेक्नोलॉजी के स्टॉल पे, जहां हम बात करेंगे संतोष गुप्ता जी के साथ, जो हमें बताएंगे कि उनकी कंपनी के स्टॉल में वो लोगों के लिए क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की रेंज क्या है और खासियत क्या है। जी संतोष जी। जी नमस्कार। प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी, मैं पहले बता दूं कि ये मुरगप्पा ग्रुप की एक कंपनी है और यहाँ पे हम किसानों के लिए सोलर पावर्ड कोल्ड रूम और सोलर ड्रायर तथा एक कोल्ड चेन सॉल्यूशन में सब चीज़ें, जहाँ से कोल्ड रूम से शुरू होती है और रिफर ट्रक, फिर लास्ट माइल डिलीवरी के लिए सॉल्यूशन होता है हमारे पास। अगर मैं कोल्ड रूम की बात करूँ तो एज सच इसमें इनिशियली हमें इन्वेस्ट करना होता है, पर ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं होता, इसको चलाने के लिए कोई खर्च नहीं होता है। दिन के समय में जब सौर ऊर्जा अवेलेबल होता है उस समय में ये ठंडक बनाता है और इसमें हमने PCM लगा रखा है जो कि थर्मल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसके कारण इस कमरे का टेम्परेचर लगातार 24 आवर बिना किसी अलग इलेक्ट्रिसिटी से मेंटेन होता है सिर्फ सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो इसको चलाने का खर्च कोई भी नहीं होता, ये किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे किसान जिनके पास इतना माल नहीं हो पाता है जो कि मंडी पर ले जाकर अपने को बेच पाएँ, तो वो एक और कई किसान मिलकर एक ऐसा कोल्ड रूम लगा सकते हैं जहाँ पर वो अपनी सब्जी फल लाकर रखें और जब इतना माल हो जाए कि वो मंडी पे ले जा सकते हैं, एक ट्रक का लोड हो जाए उनके पास, तो ऐसे कोल्ड रूम में वो हफ्ता 10 दिन, 2 दिन, 2 सप्ताह या 3 हफ्ते तक रख कर एक मंडी पे प्राइस के लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो एक अच्छा सॉल्यूशन मिलता है। इसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ूँ अपनी बात बताऊँ तो हमारे पास सोलर ड्रायर एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये भी उसी सिद्धांत पर आधारित है, दिन के समय में जब धूप होती है इस समय में ये गर्मी को स्टोर कर लेता है और इसमें भी एक PCM होता है जिसमें गर्मी को स्टोर कर लिया जाता है और ये 24 आवर 24 घंटे काम करता है, प्रोडक्ट को सुखाता ही रहता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 45 से 55 के बीच में मेंटेन होता है, जो कि हमारे किसी भी खाने की चीज़ों को, फल सब्जियों को सुखाने के लिए एक ज़रूरी टेम्परेचर है, जिससे कि हम उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को मेंटेन कर पाते हैं। अगर कोल्ड चेन में देखा जाए आगे तो हमारे पास जो PCM टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल हम जैसे कोल्ड रूम में यहाँ पे स्टोर करने के लिए कर रहे थे, वैसे ही हम रिफर ट्रक में करते हैं। रिफर ट्रक में इस प्लेटों को लगाते हैं जिसमें कि PCM भरा हुआ होता है और जब गाड़ी खड़ी होती है हमारे वेयर हाउस में, वहाँ पे इसको चार्ज कर लिया जाता है। जैसे कि एक बैटरी से चलने वाली गाड़ी को हम चार्ज करते हैं, 5-6 घंटे चार्ज में लगाना होता है, उसी प्रकार से इस गाड़ी को भी हम चार्ज करते हैं जिसमें ठंडक स्टोर हो जाता है। किसी भी एप्लीकेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है चिल्ड के लिए और फ्रोजन के लिए अलग अलग है, उसमें हम गाड़ी को डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि 5-6 या 8 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, ठंडक को मेंटेन करती है और 10 से 14 घंटों का बैकअप मिलता है, तो कोई भी सामान को एक निश्चित समय में वो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए डिलीवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आजकल जैसे हम लोग TV पे एड देखते हैं कि आइसक्रीम की डिलीवरी हो जाती है ऑनलाइन, कभी हमने ये सोचा है कि आइसक्रीम कैसे उसी एक अच्छी क्वालिटी में बिना गले हुए हमारे को खाने को मिल जाता है। तो इस प्रकार के हमारे जो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बॉक्सेस हैं, प्रोंगो बॉक्सेस के नाम पे जाना जाता है, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है और ये अलग अलग साइज़ों में आता है, जैसे 3 लीटर से लेकर 150 लीटर की कैपेसिटी में अवेलेबल है। और इसमें भी उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है कि हम PCM के टैप्स होते हैं जिसको पहले से चार्ज कर लिया जाता है, इन बॉक्सेस में रख देते हैं और वो किसी भी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, हर एक टेम्परेचर के अनुसार से उस प्रकार का PCM चुनना होता है हमें। और ये इस प्रकार से हमारे पास एक कंप्लीट रेंज ऑफ सॉल्यूशन मिलता है जो कि किसानों के लिए प्लस आम आदमी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, जो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक में जुड़े हैं उन सभी के लिए सॉल्यूशन है। जी नमस्कार।